सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो सरकारी भर्तियों में करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, जिससे आप खुद जान सके कि आपकी करंट जीके की तैयारी कितनी है और जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट विभाग की भर्तियां निकलती है उन भर्तियों में करंट जीके से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप मेरे इस रोजगार समाचार इंडिया चैनल के लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रश्न संख्या एक है वो है, देश का पहला टूरिज्म मार्ट 16 से 18 सितंबर 2018 कहां आयोजित होगा, उस जगह का नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। यानी कि देश का पहला टूरिज्म मार्ट 16 से 18 सितंबर 2018 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या दो है वो है कि सैमसंग कंपनी ने किस जगह पर विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल कारखाना स्थापित किया है, उस जगह का नाम बताइए। तो उसका आंसर होगा, सैमसंग कंपनी ने नोएडा में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल कारखाना स्थापित किया है। तो आप ये खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी करंट जीके की तैयारी कितनी है। तो इसका आंसर होगा नोएडा। जो नेक्स्ट प्रश्न संख्या तीन है वो है, हाल ही में खबरों में रहा चिनचोटी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, उस राज्य का नाम बताइए। तो हाल ही में खबरों में रहा चिनचोटी जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर आएगा महाराष्ट्र। दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, देश का पहला शहर कौन सा है जिसका नगर निगम बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ है, उस शहर का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा इंदौर शहर। यानी कि देश का पहला शहर इंदौर शहर है जिसमें नगर निगम बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध रहा है। साथियों जो नेक्स्ट प्रश्न संख्या पांच है वो इस प्रकार से है, भारतीय रेलवे के किस जोन ने सबसे ऊंचा 6 लिमिटेड हाइट सबवे का शुभारंभ किया है, उस जोन का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा पूर्वी तट रेलवे जोन। साथियों की जो भारतीय रेलवे का जो पूर्वी तट रेलवे जोन है उसमें सबसे ऊंचा 6 लिमिटेड हाइट सबवे का शुभारंभ किया गया है। साथियों इसी प्रकार आप खुद देख सकते हैं कि आपकी करंट जीके की तैयारी कितनी है। जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है अगस्त में असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें आपकी तैयारी कितनी है, इसी प्रकार के उसमें करंट जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो नेक्स्ट प्रश्न संख्या छह है वो इस प्रकार से है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक का नाम क्या है, तो इसका आंसर आएगा उस लेखक का नाम है करण थापर। यानी हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक का नाम है करण थापर। जो नेक्स्ट प्रश्न संख्या सात है वो इस प्रकार से है,
हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला पूर्णतया महिला संचालित होटल को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा, हाल ही में केरला पर्यटन मंत्री द्वारा देश का पहला पूर्णतया महिला संचालित होटल लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो गया, केरला पर्यटन मंत्री के द्वारा महिलाओं द्वारा स्पेशल चलाया गया होटल लॉन्च किया गया है। दोस्तों जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 8 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत को पदक तालिका में तीसरा स्थान मिला हुआ है। जो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है वो इस प्रकार से है, हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन पेंशन सिस्टम के लिए आधार आपकी सेवा का नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई, उस राज्य का नाम बताइए? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पेंशन सिस्टम के लिए आधार आपकी सेवा इस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। जो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है वो इस प्रकार से है, संगीत अकादमी ने इस वर्ष के काल निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, उस व्यक्ति का नाम बताना है? तो अरुणा साईराम को इसी वर्ष संगीत अकादमी ने काल निधि पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है वो इस प्रकार से है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस स्थान पर बाहरी व्यक्तियों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है, उस स्थान का नाम बताना है? यानी वो स्थान है लाल किला। यानी लाल किला स्थान पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाहरी व्यक्तियों के नमाज पढ़ने पर पूर्णतया रोक लगा दी है। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए अगले वीडियो में भी लेके आऊं, इसलिए आप मेरे इस रोजगार समाचार इंडिया चैनल के लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे जो भी लेटेस्ट भर्तियों से संबंधित सूचना और उनसे संबंधित जो भी ताजा अपडेट आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।